नमस्ते, दीपा शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। प्रॉन मलाईकारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम प्रॉन लिया है। ये 600 ग्राम था, पर ये क्लीन करने के बाद 400 ग्राम हो गया। इसके अंदर जो इंटेस्टाइन होता है उसको साफ कर लीजिए और उसको क्लीन पानी से 5 to 6 टाइम वॉश कर लेना है। सो दिस आर द इंग्रेडिएंट्स। आप प्रॉन से काफी सारे डिशेस बना सकते हो। 400 ग्राम प्रॉन, प्याज 2 बड़े साइज का, 2 टमाटर, 4 ग्रीन चिली, इलायची, दालचीनी, लौंग, आधा इंच अदरक, 15 to 16 लहसुन, नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड ऑयल, इमली का पल्प, और ये मैंने लिया है कोकोनट मिल्क 1 ग्लास। सबसे पहले प्रॉन का ऊपर नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैंने कर लिया नमक डालकर। फ्राई पैन में मैंने 4 to 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया। अभी मैं प्रॉन को सॉटे फ्राई करूंगी। देखिए तेल पूरा गर्म हो रहा है। मैंने सारे प्रॉन्स को डाल दिया। मैं हल्का सा फ्राई करूंगी यहाँ पे। अभी हमने जो प्याज, लहसुन, टमाटर, ग्रीन चिली, अदरक और जो खड़े गरम मसाला लिया था, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्सी में एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। सारे मसाले को एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अभी मेरा प्रॉन्स भी सॉटे फ्राई हो गया। मैं सारे प्रॉन्स को फ्राई पैन में से निकाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा है। मैंने जो स्मूथ पेस्ट बनाया उसी तेल में वो पेस्ट देकर अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। सारे पेस्ट डाल लिया मैंने, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 3-4 मिनट के लिए मसाले को फ्राई कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया। देखिए तेल कैसे मसाले का ऊपर ऊपर आ रहा है। मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अभी मैंने रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डाला। आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर भी डाली। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2-3 मिनट के लिए इसको कवर अप कर दीजिए। देखिए मेरा मसाला पूरा ड्राई हो गया। थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स कर ले। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर फ्रेश कोकोनट मिल्क डालकर 2 मिनट के लिए कवर अप कर लीजिए। इसको कंटिन्यू हिलाते रहिए। अब इसको कवर अप कर लीजिए। 2 मिनट बाद मसाला पूरा गरा हो गया। अभी आप प्रॉन्स को डाल लीजिए। प्रॉन्स को अच्छी तरह से मसाले का साथ मिक्स कर लीजिए। 3-4 मिनट के लिए कवर अप कर लीजिए। अभी देखिए इसका थिकनेस कितना बढ़ गया। स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने इमली का पल्प डाल दिया। इमली का एक अलग ही फ्लेवर होता है, तो प्रॉन्स के साथ इमली का टेस्ट बहुत मैचिंग करता है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए अभी इमली का पल्प को भी। मेरा प्रॉन्स रेडी हो गया। मैं अभी प्लेटिंग कर रही हूँ। थोड़े से डेकोरेशन के लिए मैंने गोभी के पत्ते यूज किए। माय डिश इज रेडी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।